हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर वन कंप्लीट किया था अब हम चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स आप डिफरेंशिएशन ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं अब हम वेक्टर्स की डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे आपका जो फंक्शन होगा वो वेक्टर होगा उसकी डिफरेंशिएशन हम देखेंगे किस तरह से करते हैं उससे पहले कुछ डेफिनेशनस है वो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट इज स्केलर फंक्शन लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स

और जो यहाँ पर रेंज सेट आएगा हमारा वो भी क्या आएगा रियल नंबर आएगा रियल नंबर का ही कोई सबसेट होगा आपने एक रियल नंबर का सबसेट लिया उसको आपने डी से डिफाइन डिनोट किया एक फंक्शन डिफाइन किया आपने डी पे तो फंक्शन क्या करेगा कोई भी आप टी लोगे डी से कोई भी रियल नंबर लोगे तो एफ़ टी क्या दे रहा है फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया है टी स्क्र प्लस टी क्यूब यह भी एक रियल नंबर आएगा टी कोई रियल नंबर है एफ़ टी हमने फंक्शन डिफाइन किया टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब ये भी एक रियल नंबर आएगा सो स्केलर फंक्शन क्या होते हैं जो आपके रियल नंबर के सेट पे डिफ़ाइन हो और फंक्शन ऑपरेट करने के बाद आपको एक रियल नंबर ही मिले यूनिक रियल नंबर ही मिले इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कह देते हैं स्केलर फंक्शन ऑफ़ स्केलर वेरिएबल टी टी बी स्केलर है वेक्टर नहीं है रियल नंबर है टी बी स्केलर है जो एफ टी आया वो भी क्या आया स्केलर आया इसको आप सोल्व करोगे एक स्केलर आएगा वैक्टर नहीं आएगा वैक्टर अगर ये होता तो इस तरह से होता सम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इस तरह से होता वैक्टर फंक्शन इस तरह के फंक्शन को हम क्या कह देते हैं स्केलर फंक्शन नेक्स्ट हमारे पास है वैक्टर फंक्शन अगर आपने कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर लिया सपोज डी ही लिया उसके ऊपर आपने एक रूल अप्लाई किया एक फंक्शन डिफाइन किया डी आपके पास सबसेट है रियल नंबर का डी पे आपने एक फंक्शन अप्लाई किया फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर इस तरह से डिफाइन है जो आपकी इमेज आएगी वो कैसी आएगी अगर वेक्टर आएगी उस केस में हम फंक्शन को कहेंगे वेक्टर फंक्शन हमने एफ टी डिफ़ाइन किया टी हमने कोई भी रियल नंबर लिया डी में से लिया डी में क्या पड़े है रियल नंबर ही है डी सबसेट है रियल नंबर का एक हमने एफ वेक्टर डिफाइन किया इस तरह से एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे एफ थ्री टी के ये एक फंक्शन है ये और ये किस तरह का फंक्शन है क्या दे रहा है टी पे अप्लाई होने के बाद ये क्या दे रहा है हमें वेक्टर दे रहा है एफ वन टी एफ टू टी एफ टी थ्री कोई भी फंक्शन हो सकता है टी के फॉर एग्जाम्पल एफ वन टी हमारा टी हो सकता है एफ टू टी टी स्कोर एफ थ्री टी टी क्यू भी अगर हम ले लें यहाँ पर तो एफ टी हमारा क्या आएगा आप टी कुछ भी वैल्यू पुट करोगे कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो एफ टी क्या आएगा एक वैक्टर आएगा सो so, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कह देते हैं वैक्टर फंक्शन दैट इज टू ईच स्केलर टी बिलोंगिंग टू डी एक यूनिक वैक्टर मिले हमें तब हम फंक्शन एफ को कहेंगे वैक्टर फंक्शन यहाँ पर क्या किया था आपने टी अगेन रियल नंबर लिया था उस पर एफ़ अप्लाई किया था तो आपको स्केलर मिला था तो इस तरह के फंक्शंस को आप क्या कह देते हो स्केलर हेयर एफ इज स्केलर फंक्शन पर यहाँ पर आपने टी कोई भी रियल नंबर लिया था अब एफ आपका क्या है एफ टी टी कुछ भी आ, अगर सपोज टी हमने वन ले लिया रियल नंबर है तो एफ वन फाइंड आउट कर सकते हो एफ टू फाइंड आउट कर सकते हो एफ थ्री फाइंड आउट कर सकते हो आप एफ़ वन आपका वन आ जाएगा टी को वन पुट करोगे एफ़ टू भी वन आ जाएगा एफ़ थ्री भी वन आ जाएगा या पुट कर दोगे तो एफ़ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आई प्लस जे प्लस के एक वेक्टर आएगी तो यहाँ पर हम एफ को कहेंगे दिस एफ इज़ ए वेक्टर फंक्शन डोमेन सेम थी बट जो कोडोमेन आ रही है जो रेंज रेंज आ रही है यहाँ पर आपकी वो डिफरेंट आ रही है वेक्टर वैक्टर फंक्शन के केस में जो आपकी रेंज आएगी वो आपकी वेक्टर आएगा और जो स्केलर फंक्शन है स्केलर फंक्शन के केस में जो आपकी रेंज आएगी फंक्शनल वैल्यूज आएगी वो आपकी स्केलर होगी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन अभी तक हमने क्या किया था टी कोई भी रियल नंबर लिया था टी आप डी में से ले रहे थे डी क्या था सबसेट ऑफ रियल नंबर अब यहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं आर से नहीं ले रहे रियल नंबर से नहीं ले के, आर क्यूब से ले रहे हैं स्पेस में से पॉइंट ले रहे हैं आर क्यूब मीन्स आर क्रॉस आर क्रॉस आर स्पेस में से पॉइंट लिया हमने एक्स वाई अब हमने एक एफ़ डिफाइन किया अगर इसकी वैल्यू एक स्केलर आती है उस केस में इस फंक्शन को हम कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ डोमेन का डिफरेंस है आपने जो पहले पॉइंट लिया था टी वो आपने रियल नंबर लिया था आर डी हेयर दिस आर डी नोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर टी आपने वहाँ कोई रियल नंबर लिया था यहाँ पर जो आप पॉइंट ले रहे हो वो किसी स्पेस में पॉइंट ले रहे हो कोई पॉइंट लेने के बाद आप अगर एफ पी डिफाइन करो और एफ पी कोई पॉइंट है एक, उसके ऊपर आपने कोई फंक्शन एसोसिएट करवाया फंक्शन डिफाइन किया एफ़ एक्स वाई जेड अब अगर ये वैल्यू आपकी स्केलर आती है उस केस में इस फंक्शन एफ़ को हम कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई पॉइंट लिया रीजन आर में एक्स वाई जेड हमने एक फंक्शन डिफाइन किया टेम्परेचर फंक्शन एफ़ एक्स वाई जेड हमने डिफाइन किया एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू जेड क्यूब ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है वो बता रहा है अगर सपोज़ एक्स वाई जेड को हमने वन टू थ्री ले लिया ये ये क्या डिनोट कर रहा है ये कोई भी पॉइंट है रीजन आर में और रीजन आर क्या है अर्थ ही सरफेस पे अर्थ में कोई भी पॉइंट है उस पर अगर आपने टेम्परेचर निकालना है तो हम इस रूल से निकाल रहे हैं सो तो ये क्या आ रहा है स्केलर आ रहा है इस तरह के फंक्शन एफ़ को कहते हैं हम स्केलर पॉइंट फंक्शन और फील्ड को क्या कह देते हैं रीजन आर से आ रहा है फील्ड को क्या कह देते हैं स्केलर फील्ड नेक्स्ट है वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन में अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया रीजन आर से और पॉइंट किस किस तरह से लिया है आर ये आपका जो पॉइंट है स्पेस में से आ रहा है अगर आप इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेक्टर फाइंड आउट कर सको तो उस फंक्शन को हम जो वेक्टर फंक्शन आता है उसको हम इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक वेक्टर फाइंड आउट कर लिया उस वेक्टर को हम क्या कह देते हैं वेक्टर फंक्शन फ़ॉर एग्जांपल सपोज आपने कोई भी पॉइंट ले लिया स्पेस में एफ एक्स वाई जेड आपने एक फ़ंक्शन डिफाइन किया कि विलासिटी एट एनी पॉइंट विलासिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट पी सपोज़ आपका पार्टिकल पी पॉइंट पे है तो उसकी विलासिटी के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स वाई आई प्लस टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस थ्री जेड क्यूब एक्स क्यूब के ये क्या दे रहा है फंक्शन वेलोसिटी दे रहा है so, सो अब लिया आपने क्या था कोई भी पॉइंट स्पेस में से था स्पेस में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बता किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की विलोसिटी बताने के लिए आपने एक रूल डिफाइन किया वो रूल ये है और ये रूल आपको विलोसटी क्या दे रहा है वेक्टर विलोसटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है सो so, इस तरह के फंक्शन एफ़ को हम कहते हैं वैक्टर पॉइंट फंक्शन और जो अब हमारा फील्ड है जहाँ से हम पॉइंट ले रहे हैं हम अगर कर्व सी से पॉइंट ले रहे हैं सपोज हमारे पास कोई कर्व है हमने कोई कर्व ले लिया स्पेस में इस कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस कर्व पे ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम विलोसटी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया विलॉसिटी फाइंड आउट करने के लिए वो उसको हम कहेंगे वैक्टर पॉइंट फंक्शन और ये जो हमारी डोमेन है जहाँ से हम पॉइंट ले रहे हैं इस कर्व से पॉइंट ले रहे हैं उस केस में उस डोमेन को हम क्या कह देंगे वैक्टर फील्ड यहाँ पर हमने डोमेन को क्या कह दे दिया क्या कहा था स्केलर फील्ड आपने स्पेस में से कोई भी पॉइंट लिया उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक यूनिक वेक्टर डिफाइन किया तो उस यूनिक वेक्टर को हम कहेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन और अगर किसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक स्केलर फाइंड आउट किया या पॉइंट पी था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने स्केलर फाइंड आउट किया जैसे यार टेम्परेचर इस पॉइंट पे आपने टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग ये स्केलर फ़ाइंड आउट किया ये क्या दे रहा है टेम्परेचर दे रहा है इस पॉइंट के पे हमारा टेम्परेचर इतना है ऐसे ही पॉइंट चेंज कर देंगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा सो तो इस point, हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या किया एक स्केलर फ़ाइंड आउट किया तो इस तरह के फंक्शन को हम कह देंगे स्केलर फंक्शन सिर्फ ये फ़र्क है हमारा देखो स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस था जो आप पॉइंट ले रहे थे वो आर से ले रहे थे वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था अब यहाँ स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन में क्या डिफरेंस है जो आप पॉइंट ले रहे हो वो आप स्पेस में से ले रहे हो आर थ्री में से ले रहे हो आर क्रॉस आर क्रॉस आर यहाँ से ले रहे हैं पॉइंट आप स्पेस का पॉइंट ले रहे हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना है किसी वेक्टर फंक्शन का किसी स्केलर के रिस्पेक्ट में वो हम देखेंगे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे सपोज so, आपने एक स्केलर वेरिएबल टी लिया एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया एफ टी अब आप वेक्टर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल स्केलर वेरिएबल टी लिया आपने वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया एफ टी मीन्स टी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेक्टर आ जाएगा अब ये आपने किस तरह से डिफाइन किया है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि ये किस तरह का वेक्टर आ रहा है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे बस हमने किसी स्केलर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैक्टर डिफाइन कर दिया उसको हमने किससे डिनोट कर दिया आहर वैक्टर से जिस तरह से आप इस तरह से अगर गिवन हो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज़ एक्स एक्सक्वायर है आपने यहाँ क्या किया एक फ़ंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र ये फंक्शन कैसा है एक्स वेरिएबल के लिए जो आपकी इमेज आ रही है वो क्या आ रही है एक्स स्क्र आ रही है यहाँ पर इमेज जो आ रही है वो क्या आ रही है स्केलर आ रही है तो ये आपका स्केलर फंक्शन हो गया अब यहाँ पर हमने वैक्टर फंक्शन डिफ़ाइन किया है वैक्टर फंक्शन है तो आर वेक्टर से डिनोट कर दिया और ये फंक्शन है वेरिएबल टी का स्केलर वेरिएबल टी का और वेक्टर फंक्शन है तो इसको हम एरो से डिनोट कर रहे हैं और जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर आएगी सम फंक्शन ऑफ टी इंटू आई सम फंक्शन ऑफ टी अगेन इंटू जे प्लस सम फंक्शन ऑफ टी इंटू के इस तरह से आपने एक वेक्टर फंक्शन लिया अगर हम टी में कुछ चेंज करें आर में जो चेंज हो ए, अगर सपोज टी में टी में हमने स्मॉल चेंज किया डेल्टा टी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर में चेंज आएगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा आर से अगर आपके पास वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन है सपोज एक्सक्वायर ही है आप अगर एक्स में चेंज करते हो तो वाई में चेंज आता है सपोज़ हमने एक्स में चेंज कर दी एक्स स्क्वायर प्लस हम डेल्टा एक्स एक्स की जगह ये ले लिया हमने वाई आपका फंक्शन था एक्स का अब आपने एक्स में कुछ चेंज किया ये एक्सक्वायर था एक्स में आपने कुछ चेंज किया एफ़ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो यहाँ पर ये यह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर मीन्स y की वैल्यू में भी चेंज आएगा सो so, जब हमने इस t में चेंज किया तो जो r की वैल्यू में चेंज आया वो हमारा है था डेल्टा r यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा r इक्वल्स टू एफ़ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर और r की वैल्यू किसके इक्वल है एफ़ टी की इक्वल सो डेल्टा r किसके इक्वल आ गया एफ़ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ़ टी डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय डेल्टा टी और टी को अप्रोच करवा दिया हमने डेल्टा टी को ज़ीरो पे तो ये हमारा हो गया डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो इक्वल्स टू एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी ओवर डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेन टू ज़ीरो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है उस केस में जो जो भी ये वैल्यू आती है अगर आप फंक्शन आपको गिवन होगा आप ये कंप्यूट करोगे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है उस केस में जो ये वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं डेरीवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इसको डिनोट किससे कर देते हैं जो भी ये वैल्यू आती है डी आर बाई डी टी से या फिर डी एफ बाई डी टी से या एफ डैश टी से या डी बाई डी टी ऑफ एफ टी ये क्या है कोई भी वेक्टर फंक्शन है उसके डेरीवेटिव को हम इन तरह से डिनोट कर सकते हैं अगर डी आर बाई डी टी एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन आपका डिफ्रेंशियबल है और अगर देखो अगर डी आर बाई डी टी एग्जिस्ट कर गया तो आप क्या कह देते हो फंक्शन आर आपका डिफरेंशियबल है तभी आप डी आर बाई डी टी फाइंड आउट कर पाए हो सपोज अगर अगर आप डी आर बाई डी टी से डी टू आर बाई डी टी भी फाइंड आउट कर सको फिर आप क्या कह देते हो डी आर बाई डी टी भी डिफरेंशियबल है अगर किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हो तो आप क्या कह देते हो वो फंक्शन डेरिवेबल है यहाँ पर आर एक वेक्टर था आर एक वेक्टर था तो जो डी आर बाई डी टी आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा अगर सपोज आपको वेक्टर फंक्शन इस तरह से गिवन है एफ टी इज एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी डी जे प्लस एफ थ्री टी के वेर एफ वन टी एफ टू टी एफ एफ टी थ्री आर स्केलर फंक्शंस ऑफ टी ए स्केलर्स हैं एफ़ वन एफ टू एफ थ्री तो स्केलर है और ये आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं तो ये जो एफ आएगा ये एक वेक्टर आएगा एफ़ का डेरिवेटिव आप तभी फाइंड आउट कर सकोगे अगर इसके कॉम्पोनेंट्स डिफरेंशिएबल हो गए मीन्स अगर इसके कॉम्पोनेंट को आप डेरी डिफरेंशिएट कर पाओ तभी आप कहोगे कि एफ़ डेरीवेबल है अदरवाइज एफ डेरीवेबल नहीं है ऑब्वियसली एफ डैश टी किस तरह से फाइंड आउट होगा एफ वन डैश टी एफ टू डैश टी प्लस एफ थ्री डैश टी इसी तरह से आप स्केलर का डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन भी इसी तरह से करते हो जितनी भी टर्म्स है हर टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो यहाँ पर भी अगर आपने एफ डैश टी फाइंड आउट करना है तो हर टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे सो so, एफ डैश टी तभी फाइंड आउट होगा अगर ये कॉम्पोनेंट्स डिफरेंशिएबल होंगे कुछ रिजल्ट्स हैं आप वो देखेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड इफ़ एफ जी एंड एच आर डिफ्रेंशियेबल वैक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी एंड फाई इज़ ए डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल टी देन देखो यहाँ पर एफ जी और एच तो हमें गिवन है वैक्टर फंक्शन है टी स्केलर है टी स्केलर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक वैक्टर एफ डिफाइन किया एक वैक्टर जी डिफाइन किया एक वैक्टर एच डिफाइन किया और फाई कैसा है डिफ्रेंशियबल है मीन्स इसका आप डेरीवेटिव कर सकते हैं ये स्केलर है फाइ आपका वैक्टर नहीं है सो so, फ़र्स्ट आपके पास रिजल्ट है अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ़ वेक्टर प्लस जी वेक्टर का तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे डेरिवेटिव ऑफ़ एफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ़ जी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी यही रिजल्ट आपके पास अगर एफ और जी वैक्टर नहीं है उस केस में भी होल्ड करता है सेम रिज़ल्ट है वैक्टर्स केस में भी नेक्स्ट इज़ डेरीवेटिव अगर आपने फाइंड आउट करना है एफ़ डॉट जी का देखो अब ये हमारे पास है वैक्टर्स वेक्टर्स के बीच में आपने क्या ऑपरेशन स्टडी करे हैं वेक्टर्स की एडिशन वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये फंक्शंस आपने स्टडी किए हैं दो वेक्टर के बीच में आपने एडिशन डिफाइन किया था सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया था डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया है क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया है. इस तरह के फंक्शंस आप इस तरह के ऑपरेशंस आप वेक्टर के बीच में डिफ़ाइन कर चुके हैं वही ऑपरेशन हमने लगाए हैं एफ फोर जी हमारे पास दो वेक्टर्स थे उनके बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट किया तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट रूल रहता है अगर वेक्टर्स एफ फोल जी नहीं होते उस केस में जो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वही रूल यहाँ अप्लाई होगा एफ वैक्टर एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस जी एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट यहाँ पर बीच में डॉट रहेगा इनके आप इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते थे डी एफ by डी टी डॉट जी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूट करता है तो पहले आप कोई भी वेक्टर लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो वो सेम ही बात है तो यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते थे मीन्स एक बार एक फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे एक का डेरिवेटिव करेंगे प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे नेक्स्ट इज अगर दो वैक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो उनका डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से करेंगे फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फैक्टर एज इट इज डायरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डायरीवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज अब यहाँ पर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का म्यूट नहीं करता तो यहाँ पर आपको ऑर्डर का ध्यान रखना होगा यहाँ पर F क्रॉस G है पहले F वेक्टर है फिर G वेक्टर है तो आपकी पोजीशन वही रहेगी पहले F वेक्टर देन G वेक्टर F वेक्टर देन G वेक्टर एक बार फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव देन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज यहाँ पर आप आगे पीछे लिख सकते हो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो बट यहाँ पर आप ऑर्डर का ध्यान रखेंगे नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ फाइव इंटू एफ वैक्टर फाइव स्केलर है एफ़ वैक्टर है तो डेरिवेटिव किस तरह से कंप्यूट होगा दोनों फंक्शन है टी के फाइव भी टी का फंक्शन है वैक्टर एफ़ भी फंक्शन है टी का बट ये स्केलर फंक्शन है ये वैक्टर फंक्शन है सो so, डेरीवेटिव आपका कंप्यूट होगा फाइ एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ वैक्टर प्लस डेरीवेटिव ऑफ फाई इनटू एफ वैक्टर जस्ट वही है जो प्रोडक्ट रूल आप लगाते हो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट इज डी बाई डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एफ जी एच स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरीवेटिव आपने कंप्यूट करना है तो पहले हमने एफ वैक्टर का किया डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जी और एच एज इट इज प्लस एफ वैक्टर और एच वैक्टर एज इट इज देन डेरीवेटिव हमने किया जी वैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टी देन एफ जी वैक्टर एज इट इज देन वी हैव फाइंड आउट द डेरीवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी फिर इनका सम किया हमने वो आपका क्या आ गया डेरीवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एफ जी एच नेक्स्ट इज डी बाय डी टी ऑफ एफ क्रॉस जी क्रॉस एच अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है अगेन क्रॉस में है तो पोजीशन आप वही रखेंगे सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया डी एफ बाय एफ वैक्टर का डी एफ बाय डी टी रिमेनिंग टू वैक्टर्स एज इट इज देन एफ एज इट इज मिड सेकेंड वैक्टर का डेरीवेटिव किया देन फर्स्ट टू वैक्टर्स एज इट इज देन थर्ड वैक्टर का डेरीवेटिव किया तो ये कुछ रिजल्ट है ये आप ध्यान रखोगे जब भी आपने डेरीवेटिव कंप्यूट करने हैं नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट वैक्टर्स किसी वेक्टर को कांस्टेंट कब कहेंगे अगर उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो फिक्स हो और डायरेक्शन भी फिक्स हो डायरेक्शन भी चेंज ना हो फॉर एग्जांपल आपने एक वेक्टर लिया दिस अब इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी नाइन मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई अब इसकी डायरेक्शन की बात करें ये वैक्टर क्या है टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के अगर इस वैक्टर को आपको प्लेन में बताना हो या वेक्टर स्पेस में बताना हो ये वेक्टर कहा लाई करेगा तो क्या करोगे आप कोऑर्डिनेट लोगे टू थ्री माइनस फोर कॉर्डिनेट ले सकते हो आप एक्स वाई जेड प्लेन में उसको ओरिजिन से डिनोट कर दो तो ये वेक्टर आ जाएगा किसी वेक्टर को आप इसी तरह से डिनोट करते हैं ये एक क्या रहेगा कोई वेक्टर राइट मीन्स वो एक लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट है और उसकी डायरेक्शन भी होगी उसकी डायरेक्शन ये हो गई ओ ए ये उसका पोजिशन वैक्टर हो गया अब इस वैक्टर का क्योंकि इस वेक्टर को आप स्पेस में इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजिशन वैक्टर आ रहा है वही ये वैक्टर है अब ये तो फिक्स ही हो गया ओ सो so, इस वैक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो गई फिक्स हो गई सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट वैक्टर नेक्स्ट इज एफ इज कोस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के वैक्टर अब इस वैक् वैक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड क्या आएगा को स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्र टी प्लस वन इनका स्क्वायर का, का सम करके अंडर रूट तो ये आ गया रूट टू मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ गया बट अब इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो वो क्या आएगा कोस टी साइन टी और वन ये आएगा इसको जॉइन कर दो अब टी को चेंज करते रहो टी को वैल्यू देते रहोगे तो क्या आएगी आपको डिफरेंट वैक्टर मिलते रहेंगे टी को वैल्यू चेंज करते रहो अलग अलग वैक्टर आते रहेंगे तो ये वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है तो so, सो हमें ऐसे वैक्टर्स भी मिल जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है जिनके डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है उनको हम कॉन्स्टेंट वक्टर कहेंगे कुछ ऐसे वैक्टर मिल जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन कॉन्सटेंट नहीं है कुछ वैक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनका ना ही मैग्नीट्यूड कॉन्सटेंट है ना ही डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है फॉर एक्जाम्पल अगर हम एक वैक्टर ये लिए एफ इज टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी के ये ले लिया एक वेक्टर अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस टी फोर प्लस टी स्क्वायर ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट नहीं है इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं आएगी सो so, ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉन्स्टेंट वेक्टर एग्जांपल है फाइंड डी आर बाई डी टी एंड डी टू आर ओवर डी टी आर वेर आर वैक्टर इज गिवन बाय दिस देखो आर एक वेक्टर गिवन है आपका उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आर इज दिस डी आर बाई डी क्या होगा डी बाई डी ऑफ अभी आपने रिज़ल्ट पढ़ा है फर्स्ट रिजल्ट अगर दो टर्म्स हो वैक्टर में एडिशन में है तो आपने डेरीवेटिव किस तरह से करना है टर्म वाइज करना है सो so, पहले हम इस टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस कोर्स टी आई देन इस टर्म का डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस साइन टी जी सो ये हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा साइन टी आई इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका हो जाएगा टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा साइन टी का कोस टी देन अगेन एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी और यहाँ वन का जीरो कोस टी का माइनस कोस टी का साइन टी ये आ जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्कोर बाकी सेम रहेगा जस्ट आपको ये ध्यान रखने है ये वेक्टर्स के जो आई जे के ये आपके साथ साथ रहेगी हर टर्म के साथ सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं फर्स्ट थ्योरम करेंगे हम द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द वैक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल टी टू बी यहाँ पर टी आएगा टू बी कॉन्सटेंट इज डी एफ बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो क्या कह रहे हैं कोई वैक्टर अगर कॉन्स्टेंट होगा वैक्टर किस तरह का है फंक्शन किस तरह का है वैक्टर फंक्शन है वेरिएबल टी का देखो इस तरह का होगा वेक्टर फंक्शन है वेरिएबल तो स्केलर है ये वेक्टर है मीन्स कुछ f1 t i इस तरह का रहेगा अगर वेक्टर है तो f2 t j जे प्लस एफ थ्री टी के मीन्स कोई फंक्शन टी का इंटू आई फंक्शन टी जे फंक्शन टी इन के इस तरह का आएगा एक वेक्टर फंक्शन आपको गिवन है प्रूव क्या करना है वो वेक्टर फंक्शन अगर कांस्टेंट होगा तो डेरीवेटिव जीरो होगा और अगर डेरीवेटिव ज़ीरो होगा तो वैक्टर फंक्शन कैसा होगा कॉन्स्टेंट जैसे आप अगर आपके कोई वैसे फंक्शन गिवन हो हमें पता है कोई फंक्शन अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो है इट मीन्स हम क्या कह देते हैं वो फंक्शन कांस्टेंट है और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो होता है यही रिजल्ट वेक्टर्स के केस में है बस यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसा है वेक्टर फंक्शन है पहले हमने सपोज कर लिया वैक्ट फंक्शन आपका कैसा है वेक्टर फंक्शन जो है आपका हमने सपोज कर लिया कॉन्स्टेंट है हम दिखा देंगे अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरीवेटिव क्या होना चाहिए जीरो देखो कोई भी अगर कॉन्स्टेंट वैक्टर है वैक्टर है तो इसको हम आई जे के इसके लिए कॉम्बिनेशन में लिखेंगे हमने एफ वैक्टर को लिखा है एफ वन आई एफ टू जे एफ थ्री के यहाँ पर एफ़ कॉन्सटेंट वैक्टर है तो जो एफ वन एफ टू एफ थ्री है वो टी से इंडिपेंडेंट हो गए अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट होता है तो f1 f2 f3 टू एफ थ्री में क्या होता है t की टर्म्स नहीं आती t से इंडिपेंडेंट होते हैं फॉर एग्जांपल आपने यहाँ किया था ये वेक्टर आपने कांस्टेंट था तो ये जो f1 f2 f3 थे ये t से फ्री थे अगर ये t वाली टर्म्स होती है तो ये क्या हो जाता है वेरिएबल हो जाते हैं बट आपका एफ वैक्टर कॉन्स्टेंट वैक्टर है तो जो इसके कॉम्पोनेट्स होंगे वो क्या हो गए फ्री फ्राम टी हो गए मीन्स टी इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा एफ़ वन एफ टू एफ थ्री स्केलर्स हो गए अब डी एफ बाई डी टी फाइंड आउट करें अगर ये भी कांस्टेंट है इसमें भी टी का फंक्शन नहीं है ये भी टी से इंडिपेंडेंट है ये भी टी से इंडिपेंडेंट है तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा यही प्रूव करना था कि अगर कांस्टेंट वेक्टर है तो डेरिवेटिव क्या होगा जीरो अब हम क्या प्रूव करेंगे अगर डेरीवेटिव जीरो है तो हम दिखाएंगे वैक्टर भी क्या होगा कॉन्सटेंट अभी हम वैक्टर कॉन्सटेंट नहीं लेके चलेंगे हम सपोज कर लेते हैं वैक्टर ये है अभी हमने इसको कॉन्स्टेंट नहीं लिया हमने एफ़ वन को भी टी का फंक्शन मान लिया एफ़ टू का भी टी का फंक्शन मान लिया एफ थ्री को भी टी का फंक्शन एज्यूम कर लिया सो डी एफ बाई डी टी हमें पता है ज़ीरो है डी एफ बाई डी टी कंप्यूट करोगे डी एफ बाई डी टी क्या हो जाएगा डी एफ वन बाई डी टी इन टू आई डी एफ टू बाई डी टी इन जे डी एफ थ्री बाई डी टी के अब यहाँ पर डी एफ बाई डी टी तो क्या गिवन है जीरो तो ये टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी जीरो के इक्वल अब ज़ीरो को आप क्या लिख सकते हो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो, जीरो के क्योंकि ये जो टर्म है ये डी एफ बाई डी टी के इक्वल है और डी एफ बाई डी टी हमें गिवन है जीरो तो ये इक्वल हो जाएगा जीरो के और जीरो को आप लिख सकते हो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस ज़ीरो के कंपेयर करने के लिए सो कंपेयर करोगे तो डी एफ वन बाई डी टी होगा जीरो के डी एफ टू बाई डी टी भी जीरो के इक्वल होगा डी एफ थ्री बाई डी टी भी जीरो के इक्वल आएगा अब डी एफ वन बाई डी टी जीरो के इक्वल आ गया डी एफ टू बाई डी टी जीरो के इक्वल आ गया ये डेरिवेटिव भी जीरो के इक्वल आ गया इट मीन्स एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या होंगे कॉन्स्टेंट होंगे अगर आपने किसी एफ़ वन का डेरिवेटिव किया टी के रिस्पेक्ट में और वो आपका आ गया ज़ीरो तो वहाँ से आप क्या कहोगे एफ़ वन एफ़ टू एफ थ्री कैसे हो गए टी से इंडिपेंडेंट हो गए मीन्स टी से इंडिपेंडेंट है तभी डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है अगर ये टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो एफ़ कैसा हो जाएगा आपका कॉन्सटेंट हो जाएगा यही आपने प्रूव करना था देखो ये डेरिवेटिव ज़ीरो आ गए ये डेरिवेटिव ज़ीरो आ गए इट मीन्स एफ़ वन एफ़ टू और एफ थ्री टी के फंक्शन नहीं है टी के फंक्शन नहीं हैं तो ये सिंपल एफ़ वन आ जाएगा एफ टू आ जाएगा एफ़ थ्री आ जाएगा इट मीन्स एफ क्या आ गया कॉन्स्टेंट वैक्टर यही प्रूव करना था आपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग थियोरम्स हैं वो कवर करेंगे आप तब तक इसमें जो एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चंस है डेरिवेटिव कंप्यूट करने के वो आप ट्राई कर लेंगे थैंक यू